हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। तो वेलकम ऑल ऑफ यू एम एस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू, द कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू ऑफ द फॉर्म दैट इक्वल टू ए इक्वल टू दिस, दैट इक्वल टू ए फाई ए अपॉन आई डैश ए, मीन्स व्हेन द लिमिट, जो फंक्शन अगर हमारे पास हो इस तरह का फाई जेड अपॉन साई जेड हो फंक्शन, ठीक, एंड वेयर लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो और जेड टेंडिंग टू ए, फाई जेड नॉट इक्वल टू जीरो या फाई ए नॉट इक्वल टू जीरो, एंड लिमिट जेड टेंडिंग टू ए फाई साई जेड इक्वल टू जीरो या साई ए इक्वल टू जीरो, तो दैट केस हम ये थ्योरम्स यूज करेंगे। ऐसा अगर है तो इम्प्लीमेंट करेंगे, इट मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमेटर का करने के बाद फिर उस पर हम अप्लाई कर देंगे वर्क, ठीक है। तो डिटरमाइन द पोल एंड रेसिड्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे ये दिया हुआ है, अब इन पर हमें क्वेश्चंस को करना है सिंपली। तो देखिए आते हैं, जैसे फर्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आपके पास क्या है, कॉट ऑफ जेड, तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉस जेड अपॉन साइन जेड लिखा जा सकता है, इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो कॉस जेड अपॉन साइन जेड हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए जो मेन फोकस हमारा होगा इसी पर आगे का वर्क होगा, हियर कि जो कॉट है साइन जेड, ठीक है। अब हमें पोल्स को फाइंड करना होगा, पोल, ठीक है। पोल क्या होता है, फॉर पोल, पोल्स के लिए जो डिनोमीटर वाला सेक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, तब करते हैं इक्वल टू जीरो, तो इज इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ एन पाई, जेड इक्वल टू एन पाई। क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंड्री कंडीशंस नहीं दी हुई है तो हम डायरेक्टली वैल्यूज को यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से करिएगा, डिटेल में हमारा वर्क हो जाएगा। देखिए जैसे फाई जेड है, सॉरी एफ ऑफ जेड है, तो आप फाई जेड अपॉन साई जेड है, दिस इज, और ये आपका है कॉस ऑफ जेड अपॉन साइन ऑफ जेड, ठीक। तो देखते हैं फाई जेड मतलब फाई एन पाई की वैल्यूज, फाई एन पाई क्या होगा, कॉस ऑफ एन पाई, तो दैट इज द माइनस वन रेस टू एन होता है, और ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक। एंड साई जेड साई एन पाई, ठीक, तो साइन ऑफ एन पाई, तो इट विल बी जीरो, ठीक है, ये मिल गया, तो जीरो मिल रहा है, तो इट मीन्स अब हम इसका वर्कआउट कर सकते हैं। तो रेसिड्यू रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू एन पाई, तो दैट इज द लिमिट जेड टेंडिंग टू एन पाई कॉस ऑफ जेड, ध्यान रखें दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस ऑफ जेड अपॉन डी बाई डी जेड साइन ऑफ, तो अब देखिए कॉस जेड क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू एन पाई और कॉस जेड अपॉन कॉस ऑफ जेड, तो कैंसल, तो दैट इज द वन। तो रेसिड्यू ऑफ जेड जो है एन पाई का, जो हमें निकल गया एट एन पाई पर वन निकल गया, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। दूसरा आप क्या, हमारे पास क्या है भाई, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू टैन जेड, यहाँ पर हमें रेसिड्यू फाइंड करना है, सबसे पहले हमें पोल को फाइंड करना पड़ेगा, देन फिर गो द अनदर रिजल्ट, तो इट कैन बी रिटेन एज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन कॉस जेड, ठीक। फॉर पोल, फॉर पोल क्या करेंगे आप, कॉस ऑफ जेड इक्वल टू जीरो पुटअप कर देंगे, ठीक, कॉस ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, तो अब कॉस जीरो की वैल्यू पाई बाई टू के लिए होती है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, तो एक इम्पॉर्टेंट है, कॉस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ठीक है, या टू एन माइनस वन पाई बाई टू, दैट इज द इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वन रखने पर जीरो रखने पर पाई बाई टू, थ्री पर वन रखेंगे थ्री पाई बाई टू, फिर फाइव पाई बाई टू एंड सो वन, सो जेड इज इक्वल टू हमारे पास मिल गया टू एन प्लस वन टू पाई बाई
इस जेड की वैल्यू होगी। ठीक है, तो डिनोमेटर्स एंड न्यूमरेटर की बात अब करेंगे हम। तो जैसे हमारे पास एफ ऑफ जेड है, दैट इज द साइन जेड अपॉन कॉस ऑफ जेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये है फाई जेड साई जेड। तो फाई टू एन प्लस वन टू पाई बाई टू की वैल्यूज को हम अगर फाइंड करते हैं क्या मिलेगा, साइन टू एन प्लस वन, ठीक है, इंटू पाई बाई टू, ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो दो वैल्यूज मिल सकती है, प्लस या माइनस वन, दो ही तो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, या तो माइनस वन मिलेगा और वन मिलेगा, जब एन की वैल्यूज अगर हम प्लस माइनस लेते हैं नेचुरल नंबर्स तब की बात होगी। ठीक है, की वैल्यूज तो इस केसेस में, बट ये है नॉट इक्वल टू जीरो, सिंपल सी बात है। एंड आई टू एन प्लस वन टू पाई बाई टू, तो हमें फाइंड आउट होगा, क्या फाइंड आउट होगा, कॉस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू विल बी जीरो। ठीक है, तो ये जीरो मिल गया। तो अब आते हैं इस पर, हम डेरिवेटिव्स पे बात करते, तो रेसिड्यू फाइंड करते हैं। रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, पर हमें रेसिड्यू फाइंड करना है। तो लिमिट जेड टेंडिंग टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू एंड साइन जेड और डिवाइडेड बाय डी जेड कॉस ऑफ जेड, डिनोमेट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमेटर्स, तो क्या मिल जाएगा आपका, लिमिट जेड टेंडिंग टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, और यहाँ पे हो गया आपका साइन जेड ऑन माइनस जेड। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन यू कैन फाइंड आउट द माइनस वन। बहुत कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है, दैट इज द, तो रेसिड्यू मिल गया हमें इस प्रॉब्लम का, जो रेसिड्यू है अब एफ जेड एट दिस पॉइंट, तो टैन जेड जो है, कोई क्योंकि रेंज नहीं दिया हमें, तो हमें सभी ऑल वैल्यूज के लिए फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर है ना, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है आपके लिए, जो क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है कि कौन से पर्टिकुलर रेंज के लिए फाइंड आउट करना है, तो ये ध्यान रखना है। अब थ्री एंड फोर की बात करते हैं, जेड अपॉन साइन जेड, आइए देखते हैं जेड अपॉन साइन जेड के बारे में। एफ ऑफ जेड जो हमारे पास है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू है आपका जेड अपॉन साइन जेड। ठीक, तो अब सबसे पहले इसकी वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना होगा, पोल को फाइंड करना है, तभी जाकर के वर्क करेंगे। तो फॉर पोल साइन जेड इक्वल टू जीरो, और दिस इज द साइन ऑफ एन पाई, तो साइन एन पाई मतलब जेड इक्वल टू क्या होगा आपका, एन पाई फाइंड आउट हो गया। ठीक है, जेड इज इक्वल टू एन पाई, यू कैन फाइंड आउट दिस। बेसिक जो हमारा रिजल्ट है ये मिल गया कि जब का है एन पाई मिल जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट। अब देखिए पोल अब डिटरमाइन करना है हमें एन पाई पर, ठीक है, पोल को जो डिटरमाइन करना है एन पाई पर, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या है आपका, जेड अपॉन साइन जेड, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई जेड अपॉन साइन जेड हो गया। अब फाई फाई एन पाई निकाल लीजिए, फाई एन पाई अगर हम निकालते हैं ये कंपेयर करके, तो एन पाई मिल जाएगा। ठीक, ये न्यूमरेटर्स की वैल्यू, और साई ऑफ एन पाई, तो साई एन पाई हो जाएगा साइन ऑफ एन पाई, सो इट विल बी जीरो। तो मतलब जो थ्योरम्स है उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिंपल। तो रेसिड्यू रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू एन पाई, तो लिमिट जेड टेंडिंग टू एन पाई, और यहाँ पर है जेड अपॉन ई बाई डी जेड साइन ऑफ, सिंप्लीफाई लिमिट जेड टेंडिंग टू एन पाई, और यहाँ पे हो जाएगा जेड अपॉन, अब देखिए एन 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 सॉरी क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ जेड। ठीक, अब वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए, तो जेड इज इक्वल टू यहाँ पे होगा एन पाई रख दिया, और दिस इज द साइन ऑफ एन कॉस ऑफ एन पाई डिनोमेटर्स में, कॉस एन पाई, और
द एन पाई और कॉस एन पाई की वैल्यू होती है माइनस। ये एक बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। अब आता है हमारा जो लास्ट में है सेक जेड, हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। एफ ऑफ जेड इक्वल टू है आपका सेक जेड, तो इसको आप लिख सकते हो वन अपॉन कॉस ऑफ जेड। अब पोल्स को फाइंड कर लीजिए पहले, और पोल कॉस ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, दिस इज द कॉस टू एन प्लस वन इन फाइव बाई टू। ठीक, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टू एन प्लस वन इन फाइव बाई। फाइंड कर लीजिए रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू फाइव बाई टू। लाइक दैट लिमिट लिमिट जेड टेंडिंग टू टू एन प्लस वन इन टू फाइव बाई टू वन अपॉन डी बाई डी जेड साइन आपका जो है सॉरी कॉस है साइन डी बाई डी जेड कॉस जेड कॉस जेड ये मिल गया। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट लिमिट जेड टेंडिंग टू टू एन प्लस वन इन टू पाई बाई टू वन अपॉन साइन जेड। ठीक, वन अपॉन साइन जेड हो गया, तो दैट वैल्यू इज लिमिट, लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो वन अपॉन साइन टू एन प्लस वन फाइव बाई टू, और ये जनरली वैल्यू आ गई आपकी माइनस वन रेस टू। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट, तरह से प्लस माइनस ही वैल्यूज मिलेगी, ये मिल गई हमारी माइनस वन रेस टू। सो दैट इज द आंसर। तो ये है आपका इसका रेसिड्यू, तो सेक जेड। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करना। तो आगे भी और हम क्वेश्चंस को लेकर आएंगे इसको करने के लिए। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय।